एनसीआर एनपीआर और सीए के खिलाफ में है। हमारे खास मेहमान आली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब जो मुंबई से चलकर आप लोगों के बीच में आप लोगों के सामने अपने विचार रखने आए हैं। मैं इस मेवात की धरती पर आपका कौम मेवात का सदर होने के नाते खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। उनके साथ हमारे बहुत सारे साथी जो मेरे से पहले बोल लिए और विशेष तौर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जीवन सिंह मानवे साहब, राजेश याज्ञिक साहब, गंगाराम यादव साहब, तेजपाल सैनी जी, बक्सी साहब, इनका मैं विशेष आभार करना चाहूंगा। वीरेंद्र विद्रोही जी कि आप लोगों ने, केल सरोही साहब कि आप लोगों ने हमारे दर्द को अपना दर्द मान करके और इस मुहिम को अलवर में शुरू किया। हम तो आपको थोड़ा सा सहयोग कर रहे हैं, हम तो आपके पीछे खड़े हैं और हम आपके पीछे खड़े रहेंगे। आप लोग इसी जज्बे के साथ लगे रहिए। रहा सवाल अभी मेरे से पहले हमारे साथी भाई वीरेंद्र विद्रोही बोल रहे थे कि आदमियों की संख्या कम है। यह संख्या कम जरूर है मेरे दोस्त, लेकिन यह शुरुआत है। अलवर के लोग बहुत ज्यादा धरना प्रदर्शन से डरते हैं, इनके दिमाग में भेद घुसा दिया गया है। अगर पूर्ववर्ती सरकारों के बारे में आप सुनेंगे तो इसी धरती, इस अलवर की मेवात की धरती को चार चार लोगों को मॉब लिंचिंग करके लहू लुहान कर दिया गया है। धरती को आप लोग अच्छे से जानते हैं, इसलिए लोगों के दिमाग में भय रहता है। और मैं कहना चाहता हूं हमारे सूबे की सरकार को कि आपने अगर ऐसे अधिकार या अधिकार यहां बैठा रखे हैं कि हमारे लोग परमिशन लेने जाएं और यह कहकर के परमिशन ना दें कि साहब यहां तो शाहीन बाग बन जाएगा, तो आप उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम करें। माननीय अशोक गहलोत साहब, जब रात को 10 बजे जाकर आप जयपुर की धरती पर हमारी बहनों के बीच में जाकर खड़े हो जाते हैं तो फिर आपके कारिंदे की क्या हिम्मत है कि वो हमें परमिशन नहीं दे मुझे सभा के लिए। तो आप उस पर संज्ञान लें। यहाँ पत्रकार साथी खड़े हैं, बहुत सारे साथी सुन रहे हैं। हम आपके माध्यम से, हम CIDCB के माध्यम से राजस्थान सरकार को कहना चाहते हैं कि इन अधिकारियों की कारगुजारी को भी आप समझने का काम करें और इनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करें। अगर इन्होंने हमें परमिशन नहीं दी है तो जैसा वीरेंद्र विद्रोही साहब और हमारे साथी बता रहे हैं। साथियों, बहुत ज्यादा लंबा समय मैं नहीं लूंगा, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारे बहुत सारे साथियों ने आप लोगों को सब कुछ बताया। ये लड़ाई बहुत लंबी है, आज तो यहां से शुरुआत है। आज से 2 महीना पहले शाहीनबाग से शुरुआत हुई, धीरे धीरे ये देश के शाहीनबाग एक संघर्ष का एक प्रतीक बन गया है। देश पूरी तरह समझ चुका है कि वहां पर वो हमारी माताएं बहनें जो बैठी हैं वो अपने हक के लिए बैठी हैं। और साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोग समझिए, ये इसको हिंदू और मुसलमान की लड़ाई बनाना चाहते हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान के संविधान को बचाने की लड़ाई है, हिंदुस्तान के संविधान को बचाने की लड़ाई है। वहां पर बहुत सारे हमारे सिख भाई, विशेष तौर से सिख समुदाय, जिसका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं उस मेवात की धरती से, वहां पर उन्होंने अपना पहले दिन से ही लंगर चलाया हुआ है। बहुत सारी तादाद में सिख समुदाय के लोग वहां पहुंचे हैं, बहुत सारी तादाद में दलित समुदाय के लोग वहां पहुंचे हैं और बहुत सारे वो हिंदू भाई वहां पर 50% के आसपास हिंदू भाई उनके साथ मजबूती से खड़े हैं, क्योंकि हर समझदार आदमी जानता है कि देश का संविधान बचेगा तो हम बचेंगे, नहीं तो हम कुछ नहीं बचेंगे। इन रंगा बिल्लाओं ने जो हालात पैदा कर दिए हैं मुल्क के अंदर, वो किसी से छुपे नहीं। अरे भाई बैठ जाओ यार। साथियों, ये तो इनको तो बहादुर शाह जफर का नाम भी छुपता है, जो 1857 की क्रांति के योद्धा थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति की शुरुआत की थी। और जब उन्होंने 1857 की क्रांति की इसकी शुरुआत की थी तो अंग्रेजों ने उनको ले जाकर रंगून की जेल में डाल दिया था। वो किसी से छुपा नहीं है, लेकिन रंगा बिल्ला कभी उसका नाम लेना पसंद नहीं करते। और अगर रोड पे कहीं नाम लिखा देखते हैं बहादुर शाह जफर रोड, तो इनको वो भी तकलीफ होती है, उसको भी उससे भी इनको दर्द होता है, क्योंकि वो एक मुसलमान का नाम है। लेकिन इनके शर्म नहीं है दोस्तों, रंगून की जेल में ले जाकर बंद कर दिया और अंग्रेजों ने उठा करके उनके चारों बेटों का सर कतल करके रंगून की जेल में ले जाकर के पेश किया और थाली में सजा कर अंग्रेजों ने कहा कि दम तमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की।
और उनको वो जब उनको सर दिखाया, उन्होंने सर दिखाया तो जफर साहब ने उनको सर देख करके अपने बच्चों के, और उन्होंने कहा कि चार बच्चों का सर क्या लेकर आए हो, अगर 4,000 के और 4 लाख के लाते तो पूरा हिंदुस्तान मेरा है। ये अंग्रेजों, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ, हम तुमसे लड़ाई अपनी जारी रहेंगे, गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तक से लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। बहादुर शाह जफर ने ये कहकर उनको लेकर आया था, और उस बहादुर शाह जफर के भी नाम को मिटाना चाहते हैं। और आखिरी में क्या हुआ था दोस्तों, आखिरी में क्या हुआ था, उन रंगून की जेल में ही वो उनकी मौत हो गई थी और उनको देश में भी नहीं लाया गया था। तो उन्होंने आखिर में एक शेर कहा था कि कितना बदनसीब जफर दफन के लिए, दो गज जमीन ना मिली कुए यार में। तो उन लोगों के इतिहास को ये लोग मिटाना चाहते हैं। मेरे दोस्तों, आप लोगों को सबको लड़ना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम सबको लड़ना पड़ेगा, गरीब को गरीब अमीर सबको लड़ना पड़ेगा, और जो देश के संविधान में विश्वास करते हैं उन सबको लड़ना पड़ेगा। लिहाजा मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि बहुत जल्दी एक बहुत बड़े जलसे की हम दोबारा से घोषणा करने जा रहे हैं। उस जलसे के लिए आप मजबूती के साथ एक एक गांव में जाकर के प्रचार प्रसार करेंगे और मजबूती के साथ आएंगे, आएंगे के लिए आएंगे, हाथ खड़े करके आप लोग सहयोग प्रदान कीजिए। साथियों, ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, अब इनको थोड़ा डर तो लगने लगा है। अमित शाह का स्टेटमेंट कल का देख लिया होगा आपने, उनका स्टेटमेंट देखा होगा, उन्होंने कहा है कि नहीं, हम थोड़ा बात तो करना चाहते हैं। पर ये क्यों? क्योंकि अभी इनको ये लग रहा है दिल्ली का करंट बहुत बड़ा लगा है, इनको बहुत बुरी तरह से वो करंट लगा है, उसमें झुलसे हुए हैं। तो मैं अपनी बात खत्म करूंगा, और बात मैं इस कविता के साथ करूंगा। मेरे को याद आती है दुष्यंत की कविता, जो दुष्यंत की कविता हमें ऊर्जा देती है, और शाहीन बाग की कल्पना उसमें कीजिए। दुष्यंत एक बहुत बड़े कवि हुए हैं कि हो गई है पीर पर्वत सिर पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सिर पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सिर पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, चाहते हैं हम यहाँ की सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।